एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। ये जो एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं इसमें हमको टर्म्स और फैक्टर्स फाइंड करने हैं, यानी इन व्यंजक में हमें पद और गुणनखंड फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन बाय वन इस तरीके से, आप सबसे पहले तो ये टेबल बना लेंगे इस तरीके से, इसे रो वाइज कर देंगे अरेंज, एक्सप्रेशन अलग, टर्म अलग और फैक्टर्स अलग। ठीक है, सबसे पहले हम पहला एक्सप्रेशन लेंगे -4x + 5। सो -4x + 5 ये ए पार्ट में ले रही हूँ। सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन हमने ले लिया, इसको टर्म में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, पहला है -4x और दूसरा टर्म क्या है 5। इस तरीके से आप कॉमा से दिखाएंगे। अब इन टर्म्स को हम लोग फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले -4x में क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक तो है -4, एक है x, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक 5 है। तो इस तरीके से हमने इसे फैक्टर्स में कर लिया। ये था ए पार्ट। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन है -3x + 9। ठीक है, इसे टर्म्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला टर्म है -3x, दूसरा टर्म है 9। अब इन टर्म्स को फैक्टर्स में करेंगे, तो पहले -3x को देखेंगे, इसमें क्या क्या टर्म्स है, एक तो -3 है और एक है x, और क्या बच गया यहाँ पे 9। ठीक है, सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट है 5y + 3y². ठीक है, सबसे पहले पहला टर्म क्या है 5y, कॉमा दूसरा टर्म क्या है 3y². ठीक है, अब पहला टर्म लेंगे, इसको फैक्टर बनाएंगे। तो पहला टर्म क्या है 5y, इसमें एक है 5, एक है फैक्टर y। दूसरा टर्म क्या है 3y², तो इसमें एक फैक्टर है 3, दूसरा है y, और क्योंकि y² है तो हम दो बार y लिखेंगे। ठीक है, डी पार्ट में आते हैं। डी पार्ट में हमारे पास क्या है, डी पार्ट में है xy + 2x² y². ठीक है, तो इनको इस एक्सप्रेशन को पहले टर्म में करेंगे। पहला टर्म है यहाँ पर xy, कॉमा दूसरा टर्म है 2x² y². अब इसको फैक्टर में करेंगे। xy में क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक x है एक y है। ठीक है, अब 2x² y² देखेंगे, तो यहाँ पर 2 है, फिर x² है यानी x, फिर y² है यानी y, y। ई पार्ट में हमारे पास है एक्सप्रेशन है xy + 2x² y², इसमें टर्म्स क्या क्या है, पहला टर्म है xy, दूसरा है 2x² y². अब पहले टर्म में फैक्टर्स क्या क्या है x, y, दूसरे टर्म में फैक्टर्स क्या क्या है 2 है, x² है यानी x, और y² है यानी y, y। ठीक है, इसके बाद F वाले पार्ट में क्या है हमारे पास 1.2ab -2.4b +3.6a। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म्स क्या क्या है, पहला टर्म है 1.2ab -2.4b और तीसरा टर्म है 3.6a। ठीक है, अब एक एक करके इन टर्म्स को फैक्टर्स में करेंगे। तो पहला क्या है, पहला है 1.2ab, यहाँ पर एक फैक्टर है 1.2, दूसरा है a और फिर है b। ठीक है, फिर इस टर्म को देखेंगे -2.4b, तो इसमें एक है -2.4, दूसरा है b। अब इस टर्म को देखेंगे, इसमें एक है -3.6, ठीक है, और एक है a। इस तरीके से आप सारे फैक्टर्स को कॉमा के थ्रू दिखाएंगे। अब आते हैं हम जी पार्ट पे। जी पार्ट में हमारे पास क्या क्या है, 3/4x + 1/4, इसमें टर्म्स क्या है, इसमें टर्म्स है 3/4x, 1/4। ठीक है, अब इसको फैक्टर्स में करेंगे। ये जो पहला टर्म है इसमें है 3/4 एक फैक्टर है और एक्स एक फैक्टर है, और 1/4 एज इट इज एक फैक्टर है जो कि हमने लिख दिया। अगला है हमारे पास एच टर्म में, एक्सप्रेशन है हमारे पास 0.1t² + 0.2q². ठीक है, अब इसमें टर्म क्या क्या है, 0.1 p²
ठीक है, ये एक टर्म है, दूसरा है 0.2 q स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले 0.1 p स्क्वायर को देखेंगे, तो इसमें एक है 0.1, एक है p और एक और p। ठीक है, अब 0.2 लिख लिया, q स्क्वायर यानी q कॉमा q। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको आप इस तरीके से टर्म्स और फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।